केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज श्री नैना देवी जी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के टाली जगात खाना पंचायत में करीब 93 लाख से निर्मित साइंस ब्लॉक का विधिवत पूजन के साथ लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इस पर लोक निर्माण विभाग के माध्यम से करीब 93 लाख खर्च किए गए। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रवक्ता एवं राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब प्रदेश व केंद्र में भाजपा की सरकारें बनी हैं, तब तब विकास कार्यों में तेजी आई है, जिसका ताज़ा उदाहरण फोरलेन व रेलवे लाइन का है, जिसका काम पूरे युद्ध स्तर पर चला हुआ है। उन्होंने कहा कि खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। खेलों के बजट को 2,305 करोड़ कर दिया गया है। जगात खाना में 20 लाख के लागत से खेल स्टेडियम का निर्माण हो। इस कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग मंडल 2 बिलासपुर के अधिशासी अभियंता जीएस राणा, एसडीएम स्वारघाट राजकुमार ठाकुर, सहायक अभियंता स्वारघाट, भाजपा के पदाधिकारियों व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिस तरह से राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जगात खाना में लगभग 93 लाख रुपए की लागत से साइंस ब्लॉक बनकर तैयार हुआ, इस पर मैं बधाई भी देता हूं, जहां स्थानीय लोगों को रणधीर जी का आभार प्रकट करता हूं उनके प्रयासों के लिए। रणधीर शर्मा जी ने प्रयास किए, जयराम जी की सरकार में पैसे भी मंजूर कराए और भवन भी बहुत सुंदर बनकर तैयार हुआ। विद्यार्थियों को शिक्षा के अच्छी सुविधाएं मिले, लगातार प्रयास रहे। और इससे पहले भी PHC जो लगभग 71 लाख रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ, बहुत वर्षों के बाद राजपुरा में वो बनकर तैयार हुआ है, वो भी रणधीर जी के प्रयासों से हुआ। मैं आभारी हूँ कि रणधीर जी ने जिस तरह से नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में लगातार काम किया है और यहाँ के लोगों की सेवा की है, उसका फल ही देखने को मिल रहा है कि एक के बाद दूसरा भवन, लाखों नहीं अब करोड़ों रुपये में विकास नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए स्वारघाट से मनदीप राणा की रिपोर्ट।